दिल्ली में सातों जगह सात कमल खिले और उन कमल में से चांदनी चौक का कमल इस टाइम हमारे साथ है। डॉक्टर हर्षवर्धन से जानने की कोशिश करूंगा, चांदनी चौक ने जो प्यार दिया है उस प्यार को अब कैसे लौटाएंगे, चांदनी चौक ने जो आपको प्यार दिया है वो प्यार अब वापस कैसे जाएगा चांदनी चौक तक। जैसे 25 साल से जनता जनार्दन जो प्यार और आशीर्वाद दे रही है उसको पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करके लौटाते रहे हैं और उसका परिणाम है कि सातों चुनावों में जिनकी दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो अब अगले 5 साल देश के लिए भी काम करेंगे और चांदनी चौक के लिए भी काम करेंगे। आपके मन में जो एक मॉडल है और खास तौर पे क्योंकि आप पर्यावरण को समझते हैं, जानते हैं, प्रदूषण खत्म करना और राजनीति का प्रदूषण भी खत्म हुआ, आपने कहा कि साहब लोग जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे वो राजनीति का प्रदूषण अब कैसे खत्म हो रहा है? अब राजनीति का प्रदूषण तो दिल्ली में एक ही है, वो सारे लोग उसको समझ पाए हैं, अब उसकी डायग्नोसिस भी हो गई है, लोगों ने खुद ही उस राजनीति के प्रदूषण का इलाज करना शुरू कर दिया है। काफ़ी तो प्रदूषण जो है इस चुनाव में उन्होंने जो है साफ कर दिया है, बाकी बचा हुआ मुझे लगता है अगले 6-8-10 महीने में अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो अस्तित्व की लड़ाई थी खास तौर पर आपको लगता है गठबंधन नहीं हो पाया, कांग्रेस और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, उसका भविष्य अब आपको क्या दिख रहा है और 6 महीने बाद आप लोग की कड़ी परीक्षा है, विधानसभा का चुनाव है। गठबंधन के लिए तो देखो मैंने 1-2 महीने पहले भी कहा था गठबंधन हो जाए तो हमें तो बड़ी खुशी होगी, और गठबंधन होता तो भी क्या अंजाम होता, यही अंजाम होता, आप तो रिजल्ट्स बता रहे हैं, नहीं हुआ तो क्या हुआ वो भी आप देख रहे हैं, और अब तो अगले 8 महीने के अंदर इनका एग्जिट होगा, यानी बाहर का दरवाज़ा इस सरकार को दिल्ली की जनता दिखाएगी, उसका ट्रेलर जो है दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को भी दिखा दिया है, और कांग्रेस को तो 15 साल शासन करने के बाद कितने बुरी तरीके से बाहर भेजा था वो तो आप सब जानते हैं कि 8 सीटें मिली उसके बाद 0 सीटें मिली, पार्लियामेंट में कुछ नहीं मिला, कॉरपोरेशन में कुछ नहीं मिला, तो कांग्रेस के बारे में तो अब फिर से तय हो गया कि दिल्ली की जनता अभी फ़िलहाल कांग्रेस के प्रति उनका कोई मोह नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस तरह का मोह है वो हमने देख लिया, 14 में देखा, फिर कॉरपोरेशन इलेक्शन जीता उसमें देखा, अभी पार्लियामेंट में देखा, और आम आदमी पार्टी की सरकार को तो उन्होंने हाशिए पे पहुंचा दिया है, अब उनकी जमानत जब्त हो गई है जबकि 9 महीने से कैंपेन कर रहे थे। खास तौर पर यह चलते चलते अंतिम सवाल है, राजस्थान आप पूरा वापस ले आए, मध्य प्रदेश ले आए, खास तौर पर दिल्ली भी लाए, हिमाचल भी लाए और उत्तराखंड भी लाए, ये कैसे हुआ अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर करना, और जब कहा जा रहा था कि एक महागठबंधन यूपी में है वहां पे भी आप 60 से ऊपर ले आए, ये किसका करिश्मा था? एक रिकॉर्ड जब बनाते हैं और अगर आप जितनी उस रिकॉर्ड को बनाने के लिए आपने मेहनत किया है या परफॉर्मेंस है आपका, उससे आप और ज़्यादा मेहनत करिए और ज़्यादा परफॉर्मेंस दीजिए तो वो रिकॉर्ड भी, आप अपना ही रिकॉर्ड भी तो तोड़ता है आदमी परिश्रम से, तो वही जो है इस पार्टी के साथ हुआ है, अमेठी में भी यही हुआ है। अब देखिए कोई अपनी अगर पपौती समझे किसी कंस्टिट्यूएंसी को, मैं तो 1977 में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अमेठी और रायबरेली में 4th ईयर MBBS में था तो मैंने वहाँ जाके कैंपेन किया है, और सबसे पहले मैंने आके अपने मेडिकल कॉलेज में अनाउंसमेंट किया था कि संजय गांधी भी हारेंगे, इंदिरा जी भी हारेंगी, वहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, आप किसी भी चीज़ को अपनी जागीर नहीं समझ सकते, काम करना पड़ता है, काम नहीं करेंगे तो फिर बड़े से बड़े सुरमा को भी जो है बाहर का रास्ता दिखा सकती है जनता, ये अमेठी सिद्ध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि हम दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से जो प्यार हमें दिल्ली ने दिया है, चांदनी चौक ने जो प्यार दिया है, उस प्यार को वापस लौटाएंगे और 6 महीने बाद भी जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी कमल ही खिलेगा। अब देखते हैं किस तरीके से ये सातों सांसद और खास तौर पर चांदनी चौक से हर्षवर्धन किस तरीके से विकास करेंगे, क्योंकि दिल्ली जो सोचती है वो फिर सारे देश के लिए लागू करना एक सिद्धांत हो जाता है। कैमरामैन चौहान के संग मैं प्रखर प्रकाश मिश्रा, NWI दिल्ली।